आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट मोदक की रेसिपी, जिसे कि हम फटाफट से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये इसमें डाल दिया है मैंने, और इसके साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप ही मिल्क पाउडर। तो ये नॉर्मल वाला ही मिल्क पाउडर है जो कि चाय के लिए हम यूज़ करते हैं। आधा कप मैंने ये मिल्क पाउडर डाल दिया है, और 1/4 कप यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी। तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिला ली है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। तो ये भी डाल के मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब दूध। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है मैंने, ये भी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ें पहले ही मिलाएंगे गैस पे, हम बाद में चढ़ाएंगे मिलाने के बाद। यहाँ पर मैं पूरा 1 कप दूध इसमें डाल दे रही हूँ और इसे मिला देंगे। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिला ली है, और अब इस पैन को हम रखेंगे गैस पर। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, गैस और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल खट्टा नहीं होना स्टार्ट हो जाता तब तक। धीरे धीरे ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, इसे हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, लगातार ही चलाएंगे। और यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर और भी ज़्यादा ठीक हो गया है। थोड़ा और इसे हम ठीक करेंगे। यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब देसी घी। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ और इसे मिला लेंगे। और ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है। थोड़ा सा और पका लेंगे। और ये मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, इतना कि हम इसे छू पाएं। और यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है। और यहाँ पर मैंने ये मोदक बनाने वाला मोल्ड भी ले लिया है। तो इस मोड़ को इस तरीके से बंद करके ये जो मिक्सचर ठंडा हुआ है इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे फिल करेंगे। और हल्का हल्का प्रेस भी कर देंगे ताकि अंदर की शेप बहुत अच्छी सी आ जाए। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक मोदक बन के तैयार है। और इस तरीके से सभी मोदक हम बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सभी मोदक बना के तैयार कर लिए हैं, और इन्हें अब गार्निश करेंगे केसर से। तो यहाँ पर मैंने हल्के से गुनगुने पानी में केसर के कुछ धागे डाल के रखे हुए हैं, और ये हम लगा लेंगे मोदक के ऊपर। तो एक एक केसर के धागे हम मोदक के ऊपर लगा लेंगे, और थोड़ा सा इसका पानी भी हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दूसरा भी लगा लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे मोदक बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप गणेश चतुर्थी पर ये मोदक ज़रूर बनाएं, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।